हाय गाइस, सबसे पहले तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो गए तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही देना दोस्तों, क्योंकि समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। अच्छा, इधर का बात छोड़ते हैं, बात करते हैं आज की बिग अपडेट्स की। यार तो इसी अपडेट्स को मैं क्या कहूँ, ये मूवी ना इतनी ज़्यादा फेस्टिवलाइज हो चुकी है, इस मूवी के बारे में मैं क्या कहूँ, कुछ भी बात चलती चिंगारी निकल आती है भाई। मुझे समझ नहीं आता कि फिल्म मेकर्स के तरफ से और जो ट्विटर्स पे इतने सारे और इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इससे जो बेस पे जो इन्होंने बात खुले हम कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा इन लोगों से। क्योंकि कुछ ट्विटर्स पे ऐसे जो टैक्स निकल के आ रहे हैं जिसमें जिनके पास ब्लू टिक है वो भी वेरीफाइड लोग कुछ भी अपडेट्स के नाम पर कुछ भी मतलब चिपका दे रहे हैं लोगों के पास। उसके बाद में पता नहीं ये पीवीआर वालों ने कौन सा नशा करके बैठे, क्या बोला तूने, हैंडमेड जो पोस्टर बनाया है उससे डाल दे रहे हैं ट्विटर पे, और उसके बाद कर तो रखे एक बार देख तो लो यार आपने क्या डाला है उसमें। उन्होंने जो भी लिख के डाला है वो आप सब ऑडियंस को दे रहे हैं, उसके बाद वो न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके बाद आप उसे डिलीट कर दे रहे हो। आप यार कौन सा सस्ता नशा करके बैठो। उसके बाद में इतने सारे कॉन्ट्रोवर्सी होने के बाद में एक दिन जैसे कि मुझे जहाँ तक जो पहले आइडिया था कि मूवी को एक महीने पहले उसकी ट्रेलर को तो रिलीज नहीं होने वाला है, मुझे जहाँ तक लग रहा था कि सॉन्ग्स पहले आएंगे, क्योंकि एक महीने पहले अगर ट्रेलर को अगर रिलीज कर देते हैं तो थोड़ा हाइप और थोड़ा बस कहीं कम हो जाएगा, उस ट्रेलर को कहीं भूल जाएंगे और कहीं ना कहीं उनको दूसरा ट्रेलर यानी पार्ट टू ट्रेलर इसके नाम से रिलीज करना होगा। इसके मुताबिक मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा, इसलिए मैं वीडियो में ना कहीं भी नहीं शांत बैठा हुआ था, भाई ऑफिशियल न्यूज कुछ दे दो उसके बाद हम वीडियो बना लेंगे। और ऐसे ही फैनमेड को जब उन्होंने पीवीआर पे दिया था कि 8 मार्च को होने वाला था, इसके बारे में मैंने न्यूज़ बना दी थी, पर मुझे क्या पता था ये गांजे फूक के पता नहीं क्या सस्ते नशे करके बैठे हुए हैं। पर अभी ऑफिशियल जो निकल के आ रही है हम्बल जो इसके फिल्म मेकर्स उन्होंने जो मतलब पोस्टर एक पोस्ट किया है जिसके मुताबिक 27 तारीख को इसी मतलब कि मार्च के 27 तारीख को 6:40 में इसकी जो ट्रेलर है वो रिलीज होने वाली है। अब पता नहीं ये सस्ता नशे करने के बाद इसे भी डिलीट करके कुछ और कर देते हैं, और पता नहीं साउथ की जितनी भी मूवीज आ रही उनकी ट्रेलर तो हिंदी से एक दिन बाद ही आ रही, अभी भी ईटी की जो हिंदी ट्रेलर वो नहीं आई है, कल उसकी जो मैंने देखी थी तेलुगु वर्जन तमिल वर्जन वही है। अब पता नहीं इनकी फिल्म मेकर से क्या है, मगर जहां तक इस मूवी की बात करें तो इस मूवी को जितनी ज्यादा बस है ना, इस मूवी को शायद उसी दिन हिंदी और सभी लैंग्वेज पर रिलीज कर देना चाहिए, और यही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हेटर्स उसके बाद में पैदा हो जाएंगे। भाई अब बात करें इसकी तो अब जो भी निकल के आएगी अपडेट्स आगे वो तो मैं आपको बताऊंगा हूँ, वो आपके साथ शेयर करूंगा हूँ। तो आप लोग को भी जो भी रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ या अपडेट्स और इस मूवी की निकाली आपको कुछ भी लगता होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में न्यूज़ कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और बन रहे हैं चैनल पर दोस्तों इसी तरह के मूवी के अपडेट्स के लिए। और शाम को आज यानी रात को मैं रुद्रा देखने वाला हूँ यार आपके लिए, 12 बजे के बाद में हॉटस्टार पर देखता हूँ कैसी होगी, आपको मैं रिव्यू और जरूर दूंगा, और आप उस मूवी को मतलब कि देखना चाहते हैं कि नहीं वो हमें जरूर बताइएगा, और इस मूवी पे आप टाइम यूज टेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए दोस्तों इसी तरह के रिव्यूज अपडेट्स सभी के लिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा, और बने रहिए मेरे चैनल। धन्यवाद दोस्तों, और सतर्क जरूर रहिएगा, क्राइम पेट्रोल सोनी आजकल बहुत देख रहा हूँ ना मैं, इसलिए इसको बोल रहा हूँ।